subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं हाजी तारिक हुसैन गीन, स्टेट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर यूटी, कंटेस्टेड कैंडिडेट इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं हल्का इंद्रवाल से 2014 में इलेक्शन लड़ा हूं और तब से और आज तक मैंने इंद्रवाल के कोने कोने में, इंद्रवाल की हर एक पंचायत पोलिंग बूथ तक पहुंचने की कोशिश करी और पहुंचा और लोगों की समस्याओं को मैंने देखा अच्छी तरह से कि लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं असरदार से, और कोशिश करी है कि जो काम जो 20-25 साल से यहाँ के विधायक मिनिस्टर और जो काम 70 सालों में नहीं हुए हैं, तो अपनी पार्टी की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से मैंने उन कामों को सरंजाम दिया। मैं मुबारकबाद देता हूं मुगल मैदान के लोगों को कि थल को अठरोट अरसा 18-19 साल से निकली थी और 18-19 साल से थल को अठरोट के लोगों को मुआवजा नहीं मिला था। कसम कुर्सी की उस हालत में उन लोगों ने 18 सालों में उनके जूते घिस गए, दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी उनको, और ऑफिसरानी बाला के दफ्तरों में चल चल कर उनके सिर भी गंजे हो गए। लेकिन मैं आज अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। थल क्वाट रोड का आज हमने फैसला करवाया और उन लोगों को मुआवजा मिल रहा है। इसी तरीके से मैं ब्लॉक छात्रों के लोगों को, उस बागयूर अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। श्री बटवारी रोड अरसा दराज से उन लोगों की मांग थी, हमने उस रोड पे सर्वे करवाई, उसके डीपीआर बनवाई, डीपीआर ही नहीं बनवाई, उसके टेंडर निकलवाए और आज उस रोड पे काम भी शुरू हो रहा है। मुझे अफसोस होता है कि आज भी लोग इस महामारी के दौर में भी, जबकि अल्लाह का कहर है ये जो कोविड-19, इस दौर में आज लीडर लोग घर में बैठकर झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। मैं अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि इंसान को अपने गिरेबान में झोंक कर देखना चाहिए, जो काम जो लीडर करे उसको उसका पूरा पता होना चाहिए। खाली बाइटे देना या लोगों को, शरीफ लोगों को, बेकस और बेसहारा लोगों को गुमराह करना, वोट बैंक की राजनीति करना, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं जो आज थल क्वाट रोड के बारे में कहते हैं कि हमने मुआवजा दिलाया, या श्री बटवारी रोड के मामले में ये कहते हैं कि इस रोड को हमने लाया, मैं उनको इस मंच से चैलेंज देना चाहता हूं कि वो मेरे सामने आए, वो बताएं कि उन्होंने कौन सा रोड कहां से लाया, उन्होंने कहां का क्या काम करवाया, मेरे से डिबेट करें। अगर मैं उस डिबेट में हार जाऊं तो मैं अपनी सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन झूठ बोलना हमने न सीखा है और न धोखा देना हमारे किसी भी किताब में है। नंबर दो, मैं बोजवा की बागयूर आवाम से भी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे वो देवी गोल, चाहे वो टंटा किथर रोड हो, और टंटा देवी गोल रोड हो, उनका मुआवजा भी बिल्कुल तैयार कर रखा है। अनकरीब एक दो दिन के अंदर अंदर, दो चार हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे हम ऑफिसर अनिबाला को ले जाएंगे और एसीआर साहब खुद जाएंगे, वहां लोगों को हम यहां आने बिल्कुल नहीं देंगे, वहां पे जाके कैंप करेंगे और लोगों को मुआवजा देंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से इंद्रवाल की पूरी बागयूर आवाम, चाहे वो मुगल मैदान हो, छात्रों हो, ठकराई केशवान हो, या चाहे वो धर्मशाला सरूड हो, बोजवा हो, ठाठरी हो, कहरा हो, मैं पूरी बागयूर आवाम को ये कहना चाहता हूं और पूरे एतमाद से कहना चाहता हूं, जो वादे मैंने, मेरी पार्टी ने किए हैं, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, हम आपको कभी मंजदार में नहीं रखेंगे, हम आपके वादों को पूरा करके ही रहेंगे, हम कभी भी कौम को बटने नहीं देंगे, हम कभी भी कौम का सौदा होने नहीं देंगे और न कभी हम इलाके का इलाकों का सौदा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा कहना है। मैं अपनी पार्टी के हाईकमान का, ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह जी का, और डॉक्टर जितेंद्र जी का, जेपी नड्डा साहब का, रविंद्र रैना साहब का, अशोक कौल जी का, तहे दिल से मशकूर और ममनून हूं, सुनील शर्मा जी का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूं कि जो भी मेरे
कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड जो भी आज तक मेरे काम थे, उन्होंने जिस प्रकार से भरपूर मेरी मदद की और काम को अंजाम दिया, मैं बहुत ही शुक्रिया उनका अदा करता हूं। हालिया में जेके टीडीसी किश्तवाड़ के अंदर जो मैंने अपने मुगल मैदान, अपने हल्का इंदरवाल के कुछ एरिया, जैसे देवी गोल हो, जैसे अपने कांदनी एरिया हमारा है कुंतवाड़ा का वहां, जैसे हमारा यहाँ ठकराई एरिया का अंजोल हो, उन एरियों के लिए जेके टीडीसी की तरफ से जो मैंने काम सेंक्शन करवाए, न कि सेंक्शन करवाए, वो पेमेंट रिलीज करवाई, एक दो दिन में टेंडर हो रहे हैं जेके टीडीसी की तरफ से, और मैं उस बारे में भी अपनी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हालिया में जेके टीडीसी किश्तवाड़ के अंदर जो मैंने अपने मुगल मैदान, अपने हल्का इंदरवाल के कुछ एरिया, जैसे देवी गोल हो, जैसे अपने कांदनी एरिया हमारा है कुंतवाड़ा का वहां, जैसे हमारा यहाँ ठकराई एरिया का अंजोल हो, उन एरियों के लिए जेके टीडीसी की तरफ से जो मैंने काम सेंक्शन करवाए, न कि सेंक्शन करवाए, वो पेमेंट रिलीज करवाई, एक दो दिन में टेंडर हो रहे हैं जेके टीडीसी की तरफ से, और मैं उस बारे में भी अपनी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस उम्मीद के साथ इंदरवाल की बागयूर आवाम को कहूंगा कि आपने बढ़ चढ़ कर इलेक्शनों में हिस्सा लिया, आपने देखा अरसा 30 साल 70 साल से देखा, इंदरवाल जूंगा तू वही है, और कुछ चंद तत्व जो कि लोगों को गुमराह करते हैं, आपने 2014 के बाद कई लोगों को, चाहे वो सरपंच की शक्ल में आपने बनाए, चाहे वो बीडीसी की शक्ल में आपने बनाए, चाहे वो डीडीसी की शक्ल में आपने बनाए, बताइए उन्होंने कौन से काम किए, कौन से वादे आपके पूरे किए जो इलेक्शनों में उन्होंने आपको बहला फिसला कर सीधे साधे वोटरों को वोट हासिल करके सिर्फ अपना पेट भरने के सिवा, अपनी कमीशनें बटोरने के सिवा और अपना अपना घर बनाने के सिवा उन्होंने कौन से काम किए। उसके बरकस भारतीय जनता पार्टी का मैं कंटेस्टेड कैंडिडेट जो कि 2014 में इलेक्शन लड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा मैंने अपने इस दौरान में, हालांकि मैं हारा हुआ कैंडिडेट था लेकिन मेरी पार्टी जीती हुई थी, मैंने पूरा दमखम से हर एक जगह जो भी जायज काम थे वो मैंने पूरा किए। इस मीडिया के माध्यम से मैं इंदरवाल की बागयूर आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने 2014 के बाद भी देखे कि कितने इलेक्शन हुए, चाहे वो पंचायती के हों, चाहे वो बीडीसी के हों, चाहे वो डीडीसी के हों, ये सारे खोखले वादे करके आप लोगों से वोट लेते हैं। आइंदा होशियार रहिए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और जो भी आपके काम होंगे, जो भी हमारी, चाहे वो सड़कों का हो, स्कूलों का हो, अस्पतालों का हो, बिजली का हो, पानी का हो, जो भी इलाका इन हल्का इंदरवाल के लोगों की जनमन डिमांड्स होंगी, इंशाल्लाह ताला मैं वादा बंद हूं, हम उस डिमांड को पूरा करेंगे। आदाब सलाम।